नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 28 नवंबर 2020 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। आज का इतिहास, भारत एवं विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। झटका, प्रदेश के 10 लाख बेरोजगारों के लिए बुरी खबर। रीट तीसरी बार अटकी, आचार संहिता के कारण अनुमति नहीं। आयोग का तर्क, पात्रता अंकों में छूट से फंसा पैंच। जयपुर भास्कर, रीट शिक्षक भर्ती 2020 मामला। निर्वाचन आयोग ने रीट परीक्षा की विज्ञप्ति पर 11 दिसंबर तक लगाई रोक। जयपुर राजस्थान पत्रिका, रीट शिक्षक भर्ती 2020 तो फरवरी में परीक्षा होना भी मुश्किल। उपेन यादव का ट्वीट, रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल फर्स्ट लेवल टू के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, दिसंबर में जारी होगी एक और सूची। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरक्षित वर्ग की कट ऑफ से पास होने वालों का चयन सामान्य पदों पर नहीं। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2020 मामला, जयपुर भास्कर। चयन बोर्ड की जेईई भर्ती परीक्षा में 31,000 आजमाएंगे भाग्य, जयपुर भास्कर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एनटीटी भर्ती, भास्कर ने खाली पदों को भरने के लिए 3 गुना दस्तावेज जांच का उठाया था मुद्दा। 846 पदों पर 2095 नए दस्तावेजों की होगी जांच। सरकार ने भी माना, 1.5 गुना अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच पहले हो चुकी है, जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भास्कर। एनटीटी भर्ती, फार्मासिस्ट सीधी भर्ती परीक्षा करवाने की मांग। जोधपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फार्मासिस्ट भर्ती 2018-2020। आरएएस 2018 के 7 से होंगे साक्षात्कार, प्रतापगढ़ आरपीएससी आरएएस भर्ती 2018 मामला। बैंक ऑफ बड़ौदा, डिग्रीधारी युवाओं के लिए निकाली भर्ती, राजस्थान पत्रिका जयपुर। नई भर्ती, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 328 पदों पर निकाली भर्ती, राजस्थान पत्रिका जयपुर। कल 3 सत्रों में होगा केट, सवालों का टारगेट सेट नहीं करे कैंडिडेट्स, जयपुर भास्कर। परीक्षा का शेड्यूल जारी, जयपुर राजस्थान पत्रिका। स्टेनोग्राफर एसएससी, ग्रामीण डाक सेवा का परिणाम जारी, जयपुर। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश का सीधा अवसर, डेली न्यूज सिटी रिपोर्टर जयपुर। सीटेट अभ्यर्थियों ने भरे इच्छित शहर के विकल्प, डेली न्यूज। सीटेट पात्रता परीक्षा जयपुर, सीबीएसई बोर्ड। एलएलबी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 16 से, राजस्थान विश्वविद्यालय नवज्योति जयपुर। अंतिम राउंड में 5,59,003 रैंक पर छात्रों को एनआईटी, एनआईटी ट्रिपल आईटी, सीएसबी काउंसलिंग, डेली न्यूज जयपुर। कुलपति ने कोटा खुला विश्वविद्यालय में परिणाम देरी पर परीक्षा नियंत्रक बदल दिया, जोधपुर नवज्योति। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, 2019 की बालिकाओं को नहीं मिला इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, प्रमाण पत्र पकड़ाया, नकदी और स्कूटी देना भूले अधिकारी। यूजी और फाइनल की परीक्षाओं का मामला, परिणाम जारी किया नहीं और कर दी प्रवेश की तिथि घोषित, नवज्योति कोटा। स्टार्टअप शुरू करने वाले छात्रों की समस्याओं का अब होगा समाधान, नवज्योति जयपुर। 3 लाख शिक्षकों को सता रहा है कोरोना संक्रमित होने का भय, स्माइल टू के तुगलकी फरमान का विरोध, नवज्योति प्रतापपुर। विश्वविद्यालय 7 को मनाएंगे आनंदम दिवस, 400 संस्थाएं लेगी हिस्सा, नवज्योति उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, विज्ञान की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है कई किलोमीटर दूर, नवज्योति उदयपुर। शिक्षकों को शाला दर्पण पोर्टल के जरिए अब अन्य विद्यालय में डेपुटेशन पर लगाया जा सकेगा, सीकर माध्यमिक शिक्षा विभाग भास्कर।
भास्कर ब्रेकिंग, जेडब्ल्यू एडवांस 2020 क्वालिफाई करने वाले सभी 1,00,000 छात्रों को नहीं मिलेगा साल 2021 में तीसरा मौका। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने वाले 5,000 को लाभ मिलेगा। सीकर भास्कर, शिक्षकों के प्रमोशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। अजमेर भास्कर, भास्कर इंटरव्यू। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी बोले, उच्च शिक्षा में 40% सिलेबस कम करेंगे और इवन की तर्ज पर कक्षाएं लगाई जाएगी, छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। सीकर भास्कर, प्रदेश के स्कूलों में परीक्षाएं होगी, पहली से आठवीं तक सिलेबस आधा होगा, 26% मार्क्स पर पास हो जाएंगे छात्र। बीकानेर, तो दोस्तों इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।